नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। और न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे आज दिन भर की दो बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि पहली खबर बाहुबली अतीक अहमद की, जिसको आपको बता दें कि आज साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शाम तक वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे और उन्हें प्रयागराज की नैनी जेल में रात भर रखा जाएगा, क्योंकि कल उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच काफिला उनका लगातार आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उनकी बहन भी काफिले के साथ आगे बढ़ रही हैं। हालांकि परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है, बहन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर का डर है उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ अतीक ये कहते हुए नजर आए कि उनको कोई भी डर नहीं है। इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ ही देखिए दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई और अब लगातार एक के बाद एक प्रहार सरकार के ऊपर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी को लेकर देखिए, काले कपड़े पहनकर विपक्ष संसद पहुंचा था और इस दौरान भारी हंगामा हुआ। अब जो संसद की कार्रवाई थी उसको स्थगित करना पड़ा। हालांकि देखिए इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बैठक भी की गई। उस बैठक में रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से आगे तमाम चीजों को लेकर जाना है। इन दोनों ही खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बाहुबली अतीक अहमद की। देखिए आपको बता दें कि कल यानी कि 28 मार्च को कल बाहुबली अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही उनके भाई को भी आपको बता दें कि प्रयागराज लाया जा रहा है। दोनों को ही जेल में आज नैनी जेल में रखा जाएगा और भारी सुरक्षा व्यवस्था जेल के बाहर भी तैनात की गई है। फिलहाल अगर काफिले की बात की जाए तो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जहां जहां से वो काफिला होते हुए गुजर रहा है वहां पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि जहां जहां गाड़ी रुक रही है, काफिला रुक रहा है, वैन रुक रही है अतीक अहमद की, धीरे धीरे धड़कनें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ परिवार कह रहा है एनकाउंटर का डर है, बहन कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा। सवाल ये है कि कल कोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन और इसी के साथ ही उनके वकील का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। काउंटर की आशंका है, अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला? अब तो आपको ज्यादा डर है? आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है एनकाउंटर की, दोनों भाई मेरे अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं। तो आपको लेकिन यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है? आपको बरेली जेल से अशरफ को भी ला रहे हैं? हम लोग मैडम, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये मांग किया था कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। क्या क्या सुरक्षा तो पूरी थी ना, तो अभी अभी क्यों डर? लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ डर लग रहा है? अपराधी माने हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है, उसने इतने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घात उतारा। मैम तो वो कोर्ट कैसे लग रहा है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक की डिक्लेयर न हो जाए, अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस मामले में आप पांच बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप पांच बार के विधायक को और एक बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट निर्दोष है। आप ये कह रहे हैं जब तक, बिल्कुल जब तक कोर्ट, जब तक कोर्ट कहाँ पर है? अगर निर्दोष है तो यहाँ पर क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? बाल गृह में है उनके बच्चे, बाल गृह में। और भी असद कहाँ पर है आखिर में, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? लखनऊ में सीधा नाम है कॉलेज में। बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? बाकी लोग क्या सरेंडर? डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है सर। अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अभी तक शासन प्रशासन, पुलिस चुस्त व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इनको झांसी तक लाई है। आगे भी ही पुलिस सुरक्षा के साथ इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज प्रस्तुत करेगी न्यायालय समक्ष। अभी तक सर यहाँ रुक गए अचानक दौरे को, क्या हो सकता है कि पुलिस कर्मचारियों को थोड़ा सा राहत चाहिए होगा इसलिए वो रुके हुए हैं। रात भर उन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं, कल शाम से चल रहे हैं, वो गुजरात से चल रहे हैं, तो इसलिए झांसी में रेस्ट करने के लिए उनको रोका गया हो। कल जो सर पेशी होने वाली है उसमें आप किस तरह की अपील करेंगे, क्या रहेगा आपकी तरफ से? अब ये न्यायालय के आदेश आने के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है कि न्यायालय का क्या निर्णय आ रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप लोगों की भी साथ जाना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति विशेष नहीं थी, लेकिन तब भी जो है अधिवक्ता है, अधिवक्ता होने के नाते तो आना ही पड़ा। भाजपा सरकार के मंत्रियों का ही बयान आ रहे हैं, गाड़ी पलटना, ये तमाम बातें। अब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के अपने बयान है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो सुना आपने अतीक अहमद के वकील और उनकी बहन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। बहन की तरफ से साफ कहा गया कि हमने अपील की थी कोर्ट में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोर्ट की तरफ से ये नहीं माना गया। और अब देखिए उनको डर सता रहा है, यही वजह है कि वो लगातार अपने भाई के काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इस काफिले की बात करें तो देखिए 6 गाड़ियां इस काफिले में, 45 पुलिसकर्मी है। और आप सोच सकते हैं जब 45 पुलिसकर्मी एक साथ अतीक अहमद को ला रहे हैं तो जहां जहां से काफिला होते हुए गुजर रहा है वहां पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद होगी, सुरक्षा का कितना कड़ा पहरा होगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जब नैनी जेल पहुंचेंगे, अगर हम अतीक अहमद की बात करें या फिर उनके भाई अशरफ की बात करें जिन्हें बरेली से लाया जा रहा है प्रयागराज, दोनों को ही नैनी जेल में रखा जाएगा, वहां पर भी दूर दूर तक पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है। फिलहाल मेरे साथ बातचीत के लिए हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ रजा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदीप, और इसी के साथ ही रणविजय है संवाददाता प्रयागराज से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रणविजय मैं रुख आपका ही करूंगी, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट है, क्या कहा जा रहा है, कब तक अतीक अहमद वहां पर पहुंच जाएंगे पुलिसकर्मियों के साथ, इसी के साथ ही उनके भाई अशरफ को लेकर क्या कुछ अपडेट रणविजय? जी ये देखा जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद को आज शाम या देर रात तक प्रयागराज लाया जा रहा है और वहां पर प्रयागराज आने के लिए उनको नैनी सेंट्रल जेल में पूरी व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से पहले से ही पूरी वार्निंग से पूरा लैस किया गया है और इसी प्रकार से जितने भी वहां पर पुलिसकर्मी सुरक्षा गार्ड या जो भी तैनात है वहां पर सभी को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया है। प्रशासन और सरकार ये चाह रही है कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए और इनको पूरी सुरक्षा एहतियात के साथ इनको सेंट्रल जेल में रखा जाए। ठीक है रणविजय, रणविजय लौटूंगी आपके पास, मेरे संवाददाता सुदीप भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुक कर लेते हैं एक बार। सुदीप देखिए, एक तरफ बहन कह रही है कि एनकाउंटर का डर है, दूसरी तरफ अगर हम अतीक की बात करें तो उनको हमने सुना वो कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्या समझा जाए इससे? देखिए रही बात बहन के अतीक की, तो अतीक की बहन भी और जो अतीक भी दोनों लोग इससे सहमत थे, डरे थे। लगभग 1300 किलोमीटर का फासला कम करके लगभग अभी समय प्रयागराज पहुंचने में अतीक अहमद को 130 या 132 किलोमीटर की दूरी पर है और उनका काफी समय प्रयागराज चित्रकूट पहुंचा है। कहीं कहीं जब बीच में गाड़ी से अतीक को उतारा जा रहा था तो अतीक ने भी ये बात कही कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन जब उनके आसपास अपने आसपास उन्होंने मीडिया कर्मी को देखा तो उनका हौसला कहीं से जाकर कुछ बड़ा था, उनके चेहरे का जो रवैया था वो भी बदला था। तो डर अतीक बहन को भी है और डर अतीक को भी है। अब इसी पूरे मामले में आप देख लें कि उमेश पाल हत्याकांड में उमेश की पत्नी ने भी चीज कहा था कि ऐसे कुपराध अपराधी को, ऐसे बदमाश को, माफिया डॉन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस समाज में ऐसे लोग रहने की कोई जरूरत नहीं, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। और वहीं उमेश पाल की माँ ने भी ये चीज कहा था कि जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया उसी तरीके से इस मामले में हमें पूरा सरकार से और शासन से अदालत से पूरा विश्वास है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी और अतीक को भी इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अब इसमें अगर बात करें कि उमेश पाल हत्याकांड के लगभग 1 महीने गुजर गए, लगातार शासन प्रशासन और सरकार पर भी आरोप लग रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि क्या अतीक अहमद को जो उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहे थे, बच रहे थे आज। लेकिन कल जब इनको 6 बजे शाम को निकाला गया तो सीधे झांसी में ले जाके 1 घंटे का विश्राम किया गया, 1 घंटे विश्राम के बाद वहां चाय नाश्ता हुआ, फिर काफिला उनका चला और अब कहीं ना कहीं अतीक अपने प्रयागराज जेल उनको नैनी में रोका जाएगा और कल MP MLA कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। इस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आएगा, अतीक क्या कहेंगे, उनके भाई अशरफ भी बरेली जेल से उनको लाया जाएगा और अदालत ने पहली सख्त हिदायत दे दी है कि अशरफ को जब जेल से लाया जाएगा तो पूरी CCTV के साथ, पूरी निगरानी के साथ, जिस गाड़ी से आएंगे उस गाड़ी की जाँच के साथ, गाड़ी थोड़ी दूर जाने पर पूरी उसका जाँच किया जाएगा, उसके बाद इन दोनों को ला के प्रयागराज में नैनी जेल में इनको शिफ्ट किया जाएगा और कल वहीं 11 बजे MP MLA कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी सुदीप आप हम तक पहुंचा रहे हैं और दर्शकों तक भी। मेरे एडिटर इन चीफ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी लगातार मैं बात कर रही हूं कि एक बाहुबली और उसको किस तरह का डर है, वो खुद बाहुबली है, लोग उससे डरते हैं, पहले तो परिवार कहता है कि एनकाउंटर का डर है, दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब उन्हें ये पता चला कि इतनी भारी पुलिस फोर्स मेरे साथ चल रही है, मीडिया कर्मी मेरे साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धड़कनें कम होती हुई, सांसें कम होती हुई नजर आई।
लेकिन स्वाती देखिए ये धड़कने गुजरात में कुछ और थी, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनके स्वर बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किस चीज का डर है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन आप ये देखें जहां जहां भी गाड़ी रुकी, हालांकि रास्ते में जब वो शिवपुरी के आसपास गए तो गाय टकराए, हालांकि गाय ऑन द स्पॉट डेथ कर गई, तो वहां पर भी था कि ऐसा ना हो कि गाड़ी पलटे और फिर कोई मामला हो जाए। तो दो तीन जगह ऐसी बातें सामने आई और हर बात देखिये मुजरिम जो है और खास तौर से वो मुजरिम जिसके आगे पीछे चप्पे चप्पे पर पुलिस हो, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक के बाद एक एनकाउंटर की जो वारदात सामने आई, तो अच्छा से अच्छा आदमी चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो पुलिस के आगे बिल्कुल पंगू हो जाता है और यो बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित होता है कि अगर वो कुछ भी हो जाएगा तो उस पर वो कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे कितना बड़ा काफिला हो चाहे कुछ हो। ये बात अलग है कि जब उसने जहां पर टोल पर या बाकी जगह पर मीडिया कर्मी देखे तो उसको राहत मिली कि हाँ नहीं बाकी लोग मौजूद है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसकी आशंकाएं जताई जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने बाइक चलाई, अतीक की जो बहन है बार बार इस बात को दोहराती हुई नजर आई कि एनकाउंटर की शंका है, एनकाउंटर की शंका है। अधिवक्ता भी साथ में मौजूद थे, हालांकि जो प्रिकॉशन अतीक का परिवार लेना चाहता था वो सब लिए, हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके की तैयारी कर रखी थी, चप्पे चप्पे पर जो फोर्स तैनात कर रखी थी और हर 400 मीटर के बाद जिस तरीके की चेकिंग का जो प्रावधान रखा था वो दिखा कि बिल्कुल अगर यहाँ कहीं चूक हुई तो आप ये समझिए कि एक बड़ा प्रश्न जो है ना वो राज्य सरकार पर भी आएगा, वो पुलिस प्रशासन पे भी आएगा कि क्या किसी भी अपराधी को आप सकुशल कोर्ट के सामने नहीं रख सकते, क्या एनकाउंटर हो जाएगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ये बात तो पिछले एनकाउंटर्स पर भी ये सवाल उठते रहे और विपक्षी खेमा जो है इसको लेकर के बार बार मीडिया के सामने आता रहा, तो इसलिए वो भी इससे बचना चाहते थे कि अगर ऐसा कोई सवाल लग गया तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पर लगता है, क्योंकि अभी जब तक कि आप कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया, आपको उस तरीके से आपको धाराएं नहीं लगाई है, तब तक आप समझिए सिर्फ आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, केस हो रहा है, कोई इस पर सुनवाई हो रही है, और जब तक वो अंतिम चरण तक नहीं पहुंच जाती और कोई फैसला पुख्ता तौर से नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार की और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपराधी को सकुशल कोर्ट तक पहुंचाए। बिल्कुल मारुफ जी, सही कहा आपने। मैं एक बार फिर से रणविजय का रुख करना चाहूँगी। रणविजय, ये बताइएगा ज़रा कि जिस तरह से मारुफ जी हमें बता रहे हैं, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, पुलिस के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 6 गाड़ियाँ उनके साथ चल रही हैं, उनको लेकर चल रही हैं, 45 पुलिसकर्मी हैं, कहीं भी चूक होती है तो कई सवाल खड़े किए जाएंगे, सिर्फ ना सिर्फ उनके परिवार की वजह तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी कि इतनी भारी पुलिस फोर्स के बीच में इस तरह से तमाम चीज़ें कैसे हो गई हैं। क्या यही वजह है कि धीरे धीरे काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है, कई जगहों पर काफिला रुकता हुआ आगे बढ़ रहा है, कि आगे तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही हैं कि रास्ता साफ है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी? रणविजय जी, जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि अभी यह सही है कि अगर किसी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पेश किया जाना है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक सब उस पर सवाल उठाएंगे। किसी प्रकार का अगर कोई घटना घटती है तो सभी उस पर सवाल उठाते हैं कि क्या प्रशासन और सरकार में इतनी लापरवाही है कि किसी को कोर्ट में न पेश किया जा पा रहा है। और उसके साथ तमाम देखा भी जा रहा है कि अतीक अहमद के कई दुश्मन भी हैं, कई गुंडे भी उनके हैं कि जो भी ये ताक लगाए हुए हैं किसी न किसी तरीके से घटना को अंजाम दिया जाए। तो इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इनको कल कोर्ट में पेश किया जाए। और सरकार पर भी अगर बात की जाए तो सरकार पर भी सवाल या निशान है, विपक्ष भी उसमें सवाल उठाएगा कि इस तरीके से प्रदेश की व्यवस्था है कि जो जिस तरीके से किसी को कोर्ट में नहीं पेश किया जा रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी एक चुनौती है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में लाया जाए और उसको उनको कल कोर्ट में MP हमले कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है रणविजय,
रणवीर जी लौटूंगी आपके पास, हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ सुधा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मारूफ जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम इस पूरे मामले की बात करते हैं, कल जिस तरह से अतीक और उनके भाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अगर जो भी उन्हें सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इससे पहले तो उनकी बहन ये कहती हुई नजर आई कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, अभी तो कल फैसला आना बाकी है, उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ये अभी भी भविष्य के गर्भ में, कल क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अगर एक कड़ी सजा सुनाई जाती है, आगे क्या कुछ विकल्प रह जाता है अतीक के लिए, अतीक के परिवार के लिए? देखिए, विकल्प तो आगे है, लेकिन आप ये समझे, बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पिछले एक महीने से मामला जो सुर्खियों में है, वो आपराधिक मामला तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, लेकिन उससे बढ़कर ये राजनीतिक मामला भी बना हुआ है, क्योंकि 2024 का सामने चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उस पर भी बड़ा असर होता है, और रसूखदार ये अपराधी है, एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, एक पूरा पूरा दबदबा रहा है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में, उस इलाके में। तो यूं कहूं कि बाहुबली अतीक अहमद को जिस तरीके से जाना जाता था, उसी तरीके से आज तक वो हो रहा है मामला। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर ये मामला कहीं सिरे नहीं चढ़ा और अगर कोर्ट के पास वो साक्ष्य नहीं पहुंचे, तो बहुत बड़ी किरकिरी जो है वो न सिर्फ प्रशासन की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि लगातार जो है इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है उसे बताया जाता रहा, उसके गुर्गों के साथ जो सारी कार्रवाई अभी तक हुई है, एनकाउंटर की वो हो चुकी है, परिवार साथ साथ खड़ा हुआ है, और उनकी पत्नी जो है उनको बार बार तलाशा जा रहा है, बेटों को तलाशा जा रहा है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर ये सिर्फ आपराधिक मामले की निगाह से हम नहीं देख सकते, ये पॉलिटिकल मामला ज्यादा है, इसलिए पूरा शासन प्रशासन, और आप देखिए जिस तरीके की मुस्तैदी बरती गई है, शायद ही किसी ऐसे अपराधी के लिए इतनी मुस्तैदी बरती गई हो, और जिस तरीके से उसके भाई अशरफ को भी सीधे तो जो है नैनी जेल पर ले जाने के लिए कहा गया है, और अतीक अहमद को भी रोमिडियल लगाई जा रही है कि 5 बजे तक प्रयागराज जो है अतीक अहमद को ले जाया जा सकेगा, और उसके बाद कल जो है वो पेशी होगी। तो आप ये समझिए कि पूरा उत्तर प्रदेश और बल्कि पूरे देश की जो राजनीति है, बल्कि जो मीडिया की जो सुर्खियां हैं, वो दो ही खबरों में बना है, चाहे वो पार्लियामेंट में आज जो मामला चल रहा है वो है, या अतीक अहमद, इसके अलावा कोई दूसरी खबर अभी दिख नहीं उस तरीके से। बिल्कुल मारू जी, और कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने 2024 की बात की कि अगर कहीं भी चूक होती है तो सिर्फ प्रशासन ही नहीं, सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े होंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी चिंता की का विषय ये सरकार के लिए। मारू जी, जी बिल्कुल, ये वाकई बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा योगी सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, और जो विपक्षी है उनको बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा, वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे कि हम कहते थे कि सब कुछ फर्जी है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इतना हाइक दिया जा रहा है कि गुजरात से आप प्रयागराज लिया है, फिर नैनी जेल लिया है, और ये हो रहा है, तमाम चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन आज की तारीख में हर एक मुद्दे को सिर्फ सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, सियासी नफे नुकसान से देखा जा रहा है, और उस सियासत के चूल्हे पर अपनी अपनी कसम की रोटियां बनाई जा रही है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। रही बात कानून व्यवस्था की, उस पर गाय बगाए सवाल उठते रहे, लेकिन महाराज और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई करते रहे ताबड़तोड़, उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा में बयान दिया था कि मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा, तो अगर कड़ी कार्रवाई होती है जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा तमगा जो है वो योगी सरकार के सीने में लगेगा, जिसको बड़े अच्छे से बनाने की वो पूरी कोशिश करेगा, उसका पूरा फायदा भी 2024 में मिलेगा। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है पूरे मामले का, कहीं भी कहा जा सकता है अगर कुछ भी चूक होती है तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, विपक्ष को कहीं ना कहीं एक और मुद्दा मिल जाएगा सरकार के ऊपर हमलावर होने का। रणवीर जय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बाहुबली अतीक अहमद जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके भाई आरिफ जिसको आज प्रयागराज लाया जा रहा है, दोनों को ही काफिले के साथ आगे बढ़ रहा है इनका काफिला, भारी पुलिस फोर्स तैनात है चप्पे चप्पे पर, हालांकि कहा जा रहा है कि देर शाम तक वो उनका काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा, नैनी जेल में रखा जाएगा। कल पर एक बार फिर से सबकी नजर रहने वाली है कि क्या कुछ कल कोर्ट में देखने को मिलेगा, क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी, कितनी बड़ी तलवार उनके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि कह तो ये रहे हैं कि डर मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परिवार भी लगातार डर के साए में है, और यही वजह है कि लगातार उनके साथ आगे बढ़ रही है उनकी बहन काफिले के साथ। हालांकि आज जब प्रयागराज पहुंचेगा दोनों का काफिला, तब
जो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तमाम अपडेट इस मामले से जुड़ी हम अब तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। देखिए दूसरी खबर है जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की जब से सदस्यता गई है उसको सरकार के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार भी अपने तरीके से समय समय पर जवाब दे रही है, लेकिन देखिए एक बार फिर से संसद में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला। काले कपड़े पहनकर पहुंचे और उसके बाद एक बार फिर से कूच किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। अगर बात करें तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बैठक का भी आयोजन किया गया, तमाम विपक्षी दल वहां पर पहुंचे थे और आगे की रणनीति भी तैयार की गई। लेकिन देखना होगा तमाम चीजों सामने निकल कर आ रही है उसका 2024 पर क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम चीज़ें 2024 को ही देखकर रिलेट की जा रही है। जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आपको बता दें कि सरकार के निशाने पर हैं। जब से ही वो उनका विदेशी यात्रा पर निकले थे जो टिप्पणियाँ उनकी तरफ से की गई तब भी उनको लेकर उन तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार निशाने पर थे। उससे पहले देखिए जो चुनावों के समय में उनकी तरफ से सभा में बयान दिया गया था, अब जिस तरह से उसके बाद उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई, लगातार देखिए सरकार उनको घेरती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए सदस्यता गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि देखिए सवाल ये भी क्योंकि अगर 2024 की बात की जाए कांग्रेस के पास कोई भी चेहरा नहीं था, राहुल गांधी ही थे। अब राहुल गांधी की सदस्यता निकल चुके चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको सुनवाते हैं। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्य मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करते हैं, इनके काले कारनामे अब काले कपड़े ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाते। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है। तो देखिए राहुल गांधी की सदस्यता गई, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, जो धड़ा बिखरता हुआ नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आया और उसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल पहुंचे इस बैठक में और आगे की रणनीति बनाई गई कि किस तरह से रोड मैप रहने वाला है, खासकर कि 2024 के लिए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मारूफ रजा जो एडिटर इन चीफ है हमारे वो भी जुड़े हुए हैं। उसी के साथ ही हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख मैं सुदीप का कराना चाहूंगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, सबसे पहले तो सवाल ये कि देखिए कि जिस तरह से विपक्षी दल बिखरता हुआ नजर आ रहा था, जो धड़ा जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार बीते कई दिनों से, अब के विपक्षी एकता नजर नहीं आ रही है, सरकार को चुनौती देने के लिए धड़े को
तैयार तो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता नजर आई है। देखिए, जिस तरीके से पूरा विपक्ष इस समय एक साथ खड़ा होकर कांग्रेस का साथ दे रहा है, इससे तो साफ नजर यही आता है कि 2024 चुनाव तक अगर विपक्ष एक साथ रहा, एकजुट रहा, तो हो सकता है कुछ न कुछ फिर बदल हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी की सदस्यता जाना भी ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब आज ही आप देख लीजिए कि सदन की कार्यवाही चंद मिनटों बाद ही तुरंत खत्म हो गई। कांग्रेस जहां काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही थी, वहीं बिहार विधानसभा में भी सेम था, वहां भी लोग काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी सदन भंग किया गया, सदन चलने नहीं पाया। इस पर अनुराग बोले रहे कि जिस तरीके से ये तानाशाही दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, पहले काला कारनामे करते फिर काले कपड़े पकड़ते हैं, अब इसके बाद जो है ये काला जादू भी करेंगे। राहुल गांधी को खुद शर्म करनी चाहिए, इनको माफी मांगनी, क्या लग रहा है उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अपनी अकड़ के साथ ये चल रहे हैं, जिस तरीके से माफी नहीं मांग रहे हैं। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस सरकार में केवल दल को देखकर लोगों को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर केस किया जाता है। केवल प्रतापगढ़ में ही 40 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, क्योंकि वो 40 जो प्रधान वहां के उनके ऊपर केस दर्ज है, क्योंकि वो लोकसभा 2024 तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमला करती हुई नजर आ रही है और विपक्ष की एकजुटता 2024 तक बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उधर आप फड़के को देखें तो फड़के ने सीधे बोला कि हम डरने वाले नहीं है, हम संघर्ष करेंगे और हम तो बस इतना बोल रहे हैं सदन में, हमको ये पीएम मोदी बता दे कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। आखिर अडानी के पास लगभग 20 करोड़ की संपत्ति अचानक कहां से बढ़ जाती है, इसका जवाब मांग रहे हैं, जिसको सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है और लगातार ही ये केवल जो विपक्ष है उसको कमजोर करने काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को, विपक्षी सांसदों को लगातार ये उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा डलवाकर केवल विपक्ष का जो मन है, जो उनका दम है, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी सुदीप हम तक पहुंचा रहे हैं। सुदीप बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से लगातार विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम टूटने वाले भी नहीं हैं, हम इसी तरह से आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, तमाम चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, ये लगातार विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन देखिए सवाल ये है कि इन तमाम चीजों का 2024 में क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो है जो सरकार है वो भी अपने तरीके से सवालों के जवाब दे रही है और तमाम चीजें हम देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ रजा जी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गौड़ का पहले मैं रुख करूंगी। सुभाष, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष लगातार देखिए सवाल खड़े कर रहा है सरकार के ऊपर, जिस तरह से पहले भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, अभी भी वो यही पूछ रहे हैं कि रिश्ते के बारे में जवाब दिया जाए। जो तमाम चीज़ें निकाल कर ला रही है सरकार वो सिर्फ मुद्दे से पीछे हटने के लिए है, लेकिन जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लोग तमाम चीज़ें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और यही वजह है कि ना केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के अलावा प्रदेशों में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मसले को भुनाने की कोशिश कर रही है। और खुद उत्तराखंड में ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस एकजुट कभी नजर नहीं आती थी वो पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, धरने प्रदर्शन पे विरोध करते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हुआ करते थे, चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो चेहरे हैं वो एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं इस मसले को लेकर। और उनका कहना ये है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश यहाँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो राहुल गांधी है उनकी सदस्यता खत्म की गई है। यानी कि ये साफ है कि अब वो राहुल गांधी से डरते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। इस तरीके की जो बाइटें हैं या कह सकता है जो वर्जन है वो विपक्ष की तरफ से यहाँ उत्तराखंड से देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी चीज और देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, कांग्रेस जो है वो सभी दलों के साथ मुलाकात कर रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से देखा गया हरीश रावत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई एक निजी होटल में और वहां सभी दल के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े चेहरे थे, और वो तमाम लोग मौजूद भी नजर आए और वो एकजुट नजर आए। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एकाएक
बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। उसमें अब विपक्ष भी चाहता है कि वो सब एक साथ एक मंच पर खड़े हों और उसके बाद चुनाव के नतीजों में पहुंचे, यानी कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसको देखते हुए भी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो केवल 5 है, लेकिन 5 सीटों पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड एक ऐसी राज्य है जहां ये देखा जाता था कि जो सत्ता है वो एक राजनीतिक दल के हाथ में नहीं होती थी, उसका सत्ता जरूर बदलती थी, लेकिन जब से मोदी ये कहा जा सकता है सेंटर में आए हैं उसके बाद से लगातार बीजेपी उत्तराखंड में काबिज है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, तमाम जो नतीजे हैं वो बीजेपी के रुख में नजर आते हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के साथ ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आ रही है, बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और तमाम जो दल हैं, चाहे वो छोटे दल हों या फिर बड़े दल, सभी दलों को एकजुट करके वो चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो बड़े जोरों शोरों से उत्तराखंड में लड़ा जाए। जी बिल्कुल सुभाष, अब लौटूंगी आपके पास सुभाष, लेकिन इस बीच हमारे एडिटर इन चीफ मारू फजाजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मारू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही है कांग्रेस की, विपक्षियों की, और अब एकजुटता देखने को मिली, ये किस वजह से है? या वाकई में राहुल गांधी की चिंता है या फिर 2024 की चिंता हो रही है सबको? क्या वाकई में कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता है? ये तमाम चीजें जो हो रही हैं हलचल, वो है किस वजह से? देखिए स्वाति, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो बात है वो ये प्रूफ हो गई है कि राहुल गांधी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था कि राहुल गांधी की टीआरपी को जो है वो नरेंद्र मोदी ही बढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझे कि लगातार चाहे वो देश में हो, जब भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी की एक नई पहचान शुरू हुई और उसके बाद विदेश में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने बयान दिया और उसके बाद यहाँ देश में आए तो संसद में जिस तरीके से बातें शुरू हुई और फिर मामला 2019 में पहुंचा और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया, हालांकि 30 दिन का समय दिया, 15,000 का मुचलका दिया, सब कुछ, लेकिन दूसरे दिन फौरन लोकसभा सचिवालय ने जो है राहुल गांधी की सदस्यता का निलंबन का जो है वो नोटिस थमा दिया। और अब जो पूरा मामला है, आप ये समझ लें कि पहले हम ये समझते थे कि नरेंद्र मोदी वर्सेस आदर्श हो रहा है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है, तो ये विपक्ष की एक बड़ी जीत है। और वही यूं कहूं कि बीजेपी जो अब तक बिल्कुल क्लीन स्वीप करती नजर आ रही थी, हालांकि गर्भ में छुपा है, 2024 में भी वक्त है, और हमारी देश की जो जनता है वो जैसे नेता अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद भूल जाते हैं, वैसे ही नेता जो लोग भी तमाम मुद्दों को भूल जाते हैं, जब तक वो ईवीएम पर बटन नहीं दबा देते तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल पूरा का पूरा जो विपक्ष दिख रहा है एक प्लेटफॉर्म पर, आज भी जिस तरीके से नजर आया, जेडीयू पहले नहीं दिखती थी, जेडीयू आ गई, ममता बनर्जी अलग मुद्दे पे थी, ममता बनर्जी आ गई, तो इस तरीके से 18 पार्टियां तकरीबन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है, एक रंग में नजर आई। ये अलग बात है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हो कि पहले काला कानून, फिर अब ये काला जादू और आगे कुछ भी, वो तमाम चीजें होती है, नेता जो है वो अपनी भाषणबाजी रखते हैं, दोनों तरफ से होती है, लेकिन आप ये समझ लें कि कुछ हो या ना हो, सत्ताधारी दल ने राहुल गांधी को बतौर संजीदा नेता के स्थापित कर दिया। और वो दिख रहा है, जैसा कि सुभाष बता रहे हैं, उत्तराखंड में जब सर्वदलीय बैठक हरीश रावत कर सकते हैं, जो कि हरीश रावत का एक अलग गढ़ा है, प्रीतम सिंह अलग है, करण मारा अलग है, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा दे दिया विपक्षी पार्टियों को भी और खुद कांग्रेसियों को भी कि वो सबके सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और मिल करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हो गए। अगर ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहती है तो ये समझ लीजिए कि बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी की होगी। हालांकि ये मामला जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है कि बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है, इसमें कानूनों की अनदेखी की गई है, अगर ये आगे जाते हैं हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, तो कहीं भी पलट सकता है। लेकिन अभी तक जो पूरी राजनीति है वो गरमाई, और जहां तक बात की जा रही है कि संसद नहीं चलने दी जा रही, तो संसद चलने और चलाने का जो पूरा का पूरा जो दायित्व है वो सत्ताधारी दल का होता है, क्योंकि दोनों ही मैं ये कहूं कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो पीठाधीशीन है
वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, तो आप वो सदन चलने देना चाहते हैं तो किस तरीके से चलना चाहिए वो उनको तय करना है। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से दो दो हाथ करने की तैयारी है, ना वो झुकने को तैयार है ना ये झुकने को तैयार है। लेकिन यूं कहूं कि सत्ता पूरी तरीके से गरमाई है और उसमें सियासत की जो रोटियां हैं वो पूरी तरीके से पकाई जा रही है। बिल्कुल। और मारूफ जी, ये मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने प्रियंका गांधी को सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, और जब इस पप्पू ने इस यात्रा की शुरुआत की तो लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से पप्पू के साथ उनको जनसमर्थन मिला, इतने सारे लोग जुड़े, और तब से ही लगातार जो सरकार है वो बौखलाई हुई है, लगातार कोई ना कोई मुद्दे ढूंढ रही है राहुल गांधी को, सरकार जो कांग्रेस है उसको बदनाम करने की, या फिर कोई ना कोई लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की बात करें वो बैकफुट पर आ जाए, जो जन समर्थन मिला था, लोगों का प्यार मिला था, वो कहीं ना कहीं आगे ना होता हुआ दिखाई दे। देखिए, जिसको वो पप्पू कहते थे वो परिपक्व नेता हो गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा ओवरऑल जो चेंजिंग हुई है और हर बात पे राहुल गांधी के सवाल के बाद फिर वहां से जवाब आ जाना, किसी और नेताओं को तरजीह नहीं देना, हालांकि केजरीवाल आपके सामने है, ममता बनर्जी आपके सामने है, अखिलेश यादव भी आपके सामने, लेकिन आप ये देखेंगे बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी को टारगेट करती नजर आ रही है। तो अब वो बात खत्म हो गई कि पप्पू है, लेकिन एक बात बड़ी मजबूती की है, क्योंकि सारे विपक्षी नेताओं को ये डर जरूर सता रहा है। मायावती पूरी तरीके से साइलेंट है, जबकि मायावती हर बात पर बोलने वाली है, उत्तर प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करती है, इस पूरे मामले में बिल्कुल खामोश है। तो आप ये समझ लें कि अगर ये खामोशी एक एक करके बाकी विपक्षी नेताओं में आ गई तो बीजेपी की रास्ता का जो जोड़ा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, और जो टारगेट वो बना के चल रहे हैं 400+ का वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मैं यूं कहूं कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, अभी 2024 में थोड़ा सा समय है, और समय जो है बड़ा बलवान है, वो कभी भी बदल जाता है, उसको किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती, और ये जनता जनार्दन का उत्सव है, जब जनता जनार्दन तय कर देती है तो किसी सियासी या पॉलिटिकल बिल की जरूरत नहीं होती। स्वाति, बिल्कुल मारू जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। फिलहाल मारू जी लौटूंगी आपके पास, हमारे संवाददाता सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फटाफट से सुभाष का भी रुख कर लेते हैं। सुभाष देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई, तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें ममता बनर्जी भी पहुंची, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से भी एक बैठक की गई की बात सामने निकल कर आई, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? सुभाष सुन पा रहे हैं? सुभाष आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी सुभाष, सवाल ये था कि जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक हमने देखी, ममता बनर्जी भी उस बैठक में पहुंची, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से भी एक बैठक की जानकारी मिली थी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, इस बैठक का के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, जैसे कि मारूफ सर ने भी बताया कि जिस तरीके से तमाम जो दल हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, शायद जिस तरीके से वो एकजुट हो रहे हैं उसकी मुख्य वजह यही है कि जो मोदी सरकार है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो दल हैं वो चाहते हैं कि सत्ता से उनको हटाया जाए, और ऐसे में वो एक साथ हो रहे हैं, एक मंच पर मौजूद हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो शायद वो भी ये समझ चुके हैं कि केंद्र में यदि सरकार बदलेगी तब जाके कहीं ना कहीं प्रदेशों में भी उनकी सरकारों में कुछ बदलाव हो सकता है, और जिस तरीके से ना केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी तमाम जो दल हैं वो एक साथ मिलकर बैठकर रणनीति बना रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के खिलाफ तमाम जो दल हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहा जा सकता है कुछ अलग नजर जरूर आ सकता है यदि तमाम जो दल हैं, तमाम जो नेता है वो एकजुट होकर काम करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ, तो शायद कुछ ना कुछ बदलाव की उम्मीद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस समय कहीं ना कहीं जब एक तमाम नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं तो विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। जी
बिल्कुल, चले बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष उन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ रजा जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। मारूफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए दो बड़े अहम मुद्दे जिनको लेकर हम आज बातचीत कर रहे थे। पहला बाहुबली अतीक अहमद जिसको प्रयागराज लेकर आया जा रहा है, कल कोर्ट में पेशी है, कल क्या कुछ देखने को मिलेगा इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम तमाम विपक्षी दलों की बात करें, उनकी तरफ से बैठक की गई लगातार, आपको बता दें कि हंगामा और प्रदर्शन तमाम जगहों पर कांग्रेस के देखने को मिल रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है क्योंकि इन तमाम चीज़ों को 2024 से रिलेट करके देखा जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा या फिर वाकई में कांग्रेस के खाते में जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल देखिए तमाम तरह की तस्वीरें जो इन दोनों ही खबरों से रिलेटेड निकल कर आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे न्यूज़ वाली टैक के साथ। नमस्कार।